एवरी वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमर सिफाई तो आइए देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक जीएसटी के अंडर प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अंडर जीएसटी एस एंड विदाउट दिज चैप्टर द फाउंडेशन ऑफ जी इज़ नॉट स्ट्रांग तो हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है तो आइए देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले कि प्लेस ऑफ़ सप्लाई का मतलब क्या होता है तो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि सप्लाई को हम कहाँ प्रोवाइड किया मानेंगे मींस हमने गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई तो कर दिया हमारी रजिस्ट्रेशन भी जीएसटी के अंदर हो चुकी है पर हमने गुड्स भेजी कहाँ हैं हमने कहाँ प्रोवाइड की हैं उस वो कौन सी प्लेस होगी उसके लिए हमें प्लेस ऑफ़ सप्लाई को डिटरमिन करना बहुत ही ज़रूरी होता है तो आइए देखते हैं कि हमें चाहिए क्यों होता है जी जी एस टी कैंडो प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ़ सप्लाई हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हम नेचर ऑफ़ सप्लाई को डिटर्मिन कर सकें नेचर ऑफ़ सप्लाई बेसिकली टू टाइप्स की होती है इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट लो इंटर स्टेट में हम इंटर स्टेट में हम जब हमारा एल ओ एस एंड पी ओ एस एल ओ एस एंड पी ओ एस दो चीज़ें हैं जिससे हम नेचर ऑफ़ सप्लाई को डिटर्मिन करते हैं एल ओ एस मीन्स लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड पी ओ एस मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई तो जिस केस में तो एल ओ एस और पी ओ एस हमारा सेम स्टेट में है और सेम यू टी में है तो उस केस में हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे मीन्स विद इन द स्टेट वो सप्लाई की गई वही मानेंगे और जिस केस में हमारा एल ओ एस एंड पी ओ एस टू डिफरेंट स्टेट्स में है और टू डिफरेंट यूटीज में है या फिर वन स्टेट और वन यू टी में हमारा एल ओ एस एंड पी ओ एस है तो वो हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे इट मींस कि हमने वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट या फिर एक यूटी से दूसरी यूटी से या फिर एक स्टेट से एक यूटी को हमने गुज या सप्लाई की हैं उस केस में हम सप्लाई को इंटर स्टेट मानेंगे तो दोस्तों ये क्लियर है बहुत ही कि हमें प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए डिटर्मिन करना क्योंकि विदाउट कैलकुलेटिंग और डिटर्मिन प्लेस ऑफ सप्लाई वी कैन नाट फिगर आउट कि हमारी जो सप्लाई है वो इंटरस्टेट है या फिर इंट्रास्टेट तो ये हमारा हो गया नीड ऑफ पॉइंट ऑफ सप्लाई तो आगे देखते हैं कि सेक्शंस कौन से कवर होते हैं इसमें वेल प्लेस ऑफ सप्लाई में बेसिकली चार सेक्शन हैं सेक्शन टेन जिसके अंदर हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे सिर्फ गुड्स की सर्विसेज की बात नहीं होगी इस सेक्शन में इसमें सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात होगी जो भी जो भी हमने इंडिया में सप्लाई की होंगी और सेक्शन इलेवन में हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को डिटर्मिन करेंगे जो कि हमने इंडिया से बाहर या तो मंगवाई होगी या फिर भेजी होगी उसके बाद हम सेक्शन देखेंगे ट्वेल्व जिसमें कि हम सर्विसेज की बात करेंगे और सेक्शन थर्टीन जिसमें भी हम सर्विसेज की ही बात करेंगे जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की, की होंगी हमने सर्विसेज वो सेक्शन थर्टीन के अंदर कवर होंगी तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन टेन सेक्शन टेन है अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स की सप्लाई की प्लेस हमने डिटर्मिन करनी है अदर देन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट का सेक्शन होगा अलग हमारा वो होगा सेक्शन इलेवन तो हम पहले बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि विद इन इंडिया हुई हैं तो आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट केस वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाई बाई द सप्लायर और द रिशियंट और बाई एनी अदर पर्सन जहाँ पर हमने मूवमेंट ऑफ इन्वाल्व मूवमेंट ऑफ़ गुड्स इन्वॉल्व है जिस केस में हमारी गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है यानी कि हमारी गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक गई हैं उस केस में हम कौन सी प्लेस को सप्लाई प्लेस सप्लाई की प्लेस मानेंगे वो होगी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी मीन्स जहाँ पे जो गुड्स वो गुड्स डिलीवर की होंगी उस केस को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपको समझ आया जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होगी उस केस में जहाँ पर गुड्स डिलीवर करनी है उस प्लेस को हम क्या मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई तो ये था हमारा फर्स्ट केस अंडर सेक्शन टेन आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस नेक्स्ट केस है वेर द गुड्स आर डिलीवर टू द रेसिपियट और एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन बाय वे ऑफ टाइटल ऑफ़ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और अदरवाइज इस केस में क्या है हमने गुड्स ट्र, तो ट्रांसफर की हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट वो किसी थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पर की हैं तो उस केस में क्या होगा जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगी ना उस थर्ड पर्सन की उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे और राइट तो ये था हमारा सेकेंड केस अंडर सेक्शन टेन आइए देखते हैं थर्ड केस वेयर द गुड्स वेयर दर इज़ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स आई दर बाय सप्लायर और अपियन कोई मूवमेंट नहीं है गुड्स की ना ही सप्लायर मूव कर रहा है ना ही रेसिपिएंट। उस केस में लोकेशन कौन सी होगी उस केस में लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उस उन गुड्स की लोकेशन जहाँ जब वो ट्रांसफ़र हुई उनका टाइटल ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपी जब वो ट्रांसफ़र हुई तो उस केस में जहाँ भी वो डिलीवर हुई वो लोकेशन हमारी मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट केस है वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड जब गुड्स को असेंबल और इंस्टॉल होगा एक साइड एक साइड पे uh, हम साइकिल की एग्जांपल लेते हैं साइकिल के पार्ट्स हैं वो अलग अलग शहरों से अलग अलग स्टेट से बन के आते हैं एक स्टेट में आके वो असेंबल होते हैं तो उस केस में जहाँ भी वो गुड्स असेंबल होंगी राइट द प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड वो के वो प्लेस को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई राइट अगला right. केस है वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेन्स लाइक वेसल एयरक्राफ्ट ट्रेन और मोटर व्हीकल इस केस में क्या है कि हमने कोई गुड्स आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और वो आपको आ, कई बार हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं कुछ ईटेबल्स प्रोवाइड करते हैं फूड सप्लाई किया जाता है ना रेलवेज और एयरप्लेन में तो वो जो जहाँ से वो फूड लिया गया मीन्स जहाँ से आपने जहाँ से आपने वो ट्रेन को बोर्ड किया या फिर एयरपोर्ट एयरप्लेन को बोर्ड किया वहीं से वो फूड लिया गया हो, होगा उनके द्वारा राइट तो उस केस में जहाँ से वो फूड लिया गया उस प्लेस को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई तो यही इस केस में लिखा है कि प्लेस वेयर द सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेयंस उस प्लेस को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई और राइट सो अगला केस देखते हैं अगला केस है वेयर द प्लेस सप्लाई गुड्स बी भी इन टर्म्स ऑफ देवेश अब ऊपर हमने पाँच केसेज देखे अगर आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स ऊपर वाले पाँच केसेज में नहीं कवर होती उस केस में इट इज़ टू बी डिटर्मिंड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। वो जी एस टी काउंसिल बाद में नोटिफाई कर देगी अगर आपकी ऊपर वाली पाँचों में नहीं कवर हो रही प्लेस ऑफ सप्लाई तो बाद में जी एस टी काउंसिल नोटिफाई करेगी और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिन करेंगे तो ये था हमारा सेक्शन टेन एंड इट वॉज अबाउट सप्लाई ऑफ प्लेस प्लेस डिटर्मिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स ओनली तो अगला केस देखते हैं जिसमें सेक्शन इलेवन एंड इन केस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इन टू और एक्सपोर्टेड फ्राम इंडिया इस केस में क्या है कि हमने जो गुड्स की सप्लाई की है ना वो या तो बाहर से हुई है या फिर बाहर को की है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का केस है ये आइए जानते हैं कि प्लेस ऑफ़ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी अगर हमने गुड्स का इम्पोर्ट किया है अगर हमने इम्पोर्ट किया है ना तो लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर मीन्स जिसने मंगवाई है गुड्स वो लोकेशन उसकी लोकेशन हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई और इन केस ऑफ़ एक्सपोर्ट्स हम लोकेशन आउटसाइड इंडिया मानेंगे जहाँ पे हमने गुड्स भेजी हैं समझ आया इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स जिसने मंगवाई हैं उसका लोकेशन हम मानेंगे प्लेस ऑफ़ सप्लाई और इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स जिसने मंगवाई हैं मीन्स बाहर हमने भेजी हैं जिसको हमने भेजी हैं आउटसाइड इंडिया उसकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी और राइट तो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमारा सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन ट्वेल्व इज अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अब इसमें सर्विसेज की सप्लाई की हम बात करेंगे और उसकी प्लेस को डिटर्मिन करने की बात करेंगे जिसमें कि रेसिपियंट और सप्लायर बोथ आर इन इंडिया इसमें दोनों ही रेसिपियन भी और सप्लायर भी इंडिया में रहते हैं मीन्स देर इज़ नो केस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स राइट तो आइए देखते हैं इसके अंडर क्या है इसमें टोटल ट्वेल्व कैटेगरीज़ हैं और ये प्रिस्क्राइब की हुई हैं जी एस टी काउंसिल के द्वारा और बाकी इन ट्वेल्व कैटेगरीज को छोड़कर अगर कोई भी सर्विस आप लेते हो तो वो डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न के अंडर कवर होगी डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है राइट तो आइए देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट क्लास सेक्शन ट्वेल्व के अंदर जो कि है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग अकामोडेशन इन होटल बोट वेसल हमने इम प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी सर्विस ली हम होटल में गए वहाँ से कोई सर्विस ली तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज़ लोकेट इस केस में क्या होगा कि जहाँ भी हमारी इमोवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे या फिर अगर वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो लोकेशन ऑफ इमेजिन uh, कीजिए आपने बाहर से बाहर के कोई होटल से सर्विस ली और uh, आ, उस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे हम हमारी खुद की सप्लाई uh, हमारी खुद का लोकेशन मीन जहाँ पे हम रहते हैं वो वाला लोकेशन हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई राइट नेक्स्ट क्लॉज है रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज पर्सनल ग्रूमिंग फिटनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विस ये सारी सर्विसेज जो कि हम अपनी हेल्थ के लिए लेते हैं उसके लिए प्लेस ऑफ़ सप्लाई डिटर्मिन करने के लिए लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड उस जहाँ पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई हैं उस प्लेस को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट में नेक्स्ट क्लॉज में है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेज़ल अगर हम ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो कई बिजनेसिस होते हैं जो कि अपनी अपने एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग की बात ट्रेनिंग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं राइट और कुछ बिजनेस होते हैं जो कि अपने इम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस को अप्रेज़ करवाते हैं अप्रेज मीन्स वो चेक करवाते हैं कि हमारे इम्प्लॉयज़ अप टू द मार्क काम कर रहे हैं क्या, या नहीं अब ऐसी कई कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं ये ट्रेनिंग है एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज तो उस केस में अगर तो बिजनेस टू तो बिज़नेस सर्विस दी गई है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स वो रजिस्टर्ड बिजनेस जिसने सर्विस ली है उसकी लोकेशन को प्लेस ऑफ़ सप्लाई मानेंगे बट अगर ये बिज़नेस टू कंज्यूमर सर्विसेज ली गई हैं तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड जहाँ पे सर्विसेज वो एक्चुअली परफॉर्म हुई हैं उन्हें हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट के है एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क अगर हम किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं या फिर किसी इवेंट में जाते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए या फिर को, को किसी भी पर्पज़ के लिए तो और वहाँ पे जाके सर्विसेज लेते हैं तो प्लेस वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और अदर प्लेस इज़ लोकेटेड जहाँ पे भी वो इवेंट एक्चुअल में हुआ है या जहाँ में भी वो एम्यूजमेंट पार्क है तो उस प्लेस को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई राइट नेक्स्ट केस है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट्स तो इस केस में हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजर्स की या फिर स्पॉन्सर्स की जो हम लेते हैं uh, कई बार हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं उसके लिए हम ऑर्गेनाइजर्स बाहर से बुलवाते हैं उनकी सर्विसेज लेते हैं राइट right? या फिर हम स्पॉन्सर करवा लेते हैं तो उस केस में अगर तो बिजनेस टू बिजनेस ये सर्विस दी गई है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स रजिस्टर्ड बिज़नेस की लोकेशन जिसने वो सर्विसेज दी हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और इन केस ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर लोकेशन वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड इफ़ द इवेंट इज़ हेल्ड आउटसाइड इंडिया लोकेशन ऑफ द रेसिपिन तो इस केस में क्या है कि अगर हमने बिजनेस टू कंज्यूमर लिए हैं हमारे सपोज हमारे घर में ही कोई शादी है हमने ऑर्गेनाइजर की सर्विसेज ली तो जहाँ पे वो शादी हो रही है हमारे घर में राइट right? हमारा घर बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में और राइट नेक्स्ट है इफ द इवेंट इज़ हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट अगर वो इवेंट मोर देन वन स्टेट हो रहा है सपोज वो पंजाब में भी हो रहा है हरियाणा में भी हो रहा है हिमाचल में भी हो रहा है तो ये तीन स्टेट्स हैं तो उस केस में क्या होगा ईच सच स्टेट इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट इस उस केस में क्या होगा कि हर हर वो स्टेट जहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड की गई है उस उसकी वैल्यू की वैल्यू के प्रपोर्शन में हम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटर्मिन करेंगे राइट नेक्स्ट केस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन इंक्लूडिंग मेल मेल्स और कॉरियर इस केस में है अगर अगर हमने मेल और कोरियर की सर्विसेज ली हैं अब हमारे इंडिया में बहुत सारी मेल और कोरियर सर्विसेज खुल चुकी हैं सबसे पहले तो हमारा पोस्ट ऑफिस ही है राइट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस उसके बाद पेडेक्स जैसी कई कंपनीज़ डिलीवरी है ना और भी कई कंपनीज जो कि मेल और कोरियर सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं तो उस केसेस में हम अगर हमने उनकी सर्विसेज़ ली हैं उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा अगर तो वो बिज़नेस टू बिजनेस सर्विस दी गई है तो लोकेशन ऑफ बिजनेस टू विच द सर्विस हैज़ बिन प्रोवाइडेड जिस बिज़नेस को हमने सर्विस एक्चुअल में दी है वो बिज़नेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई और राइट जिस बिजनेस ने सर्विस एक्चुअल में ली है वो प्लेस हो जाएगा प्लेस ऑफ़ सप्लाई इन केस ऑफ बिजनेस टू बिज़नेस और इन केस ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और अगर हमने लोकेशन है जो वो आ, किसी दूसरी जगह पे भेजी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो उस केस में अगर किसी कंज्यूमर को सर्विसेज दी हैं बट वो किसी दूसरी स्टेट में लेके जाना है तो जहाँ पे हमने हैंड ओवर की ना गुड्स सपोज़ हमने पंजाब से हरियाणा गुड्स भेजनी है पंजाब से हरियाणा तो हमने पंजाब में हैंड ओवर की वो गुड्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन तो उस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी पंजाब तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर आई होप तो आगे देखते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में क्या करेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का केस हम समझ सकते हैं कि सपोज़ हम एयरप्लेन की सर्विसेज ले रहे हैं अगर एरोप्ल की सर्विसेज ले रहे हैं तो वो हमें हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी मानी जाएगी अगर तो बिजनेस टू बिज़नेस है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन वो सेम केस कि जिस बिज़नेस ने सर्विसेज ली होंगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई को माना हाँ उसकी प्लेस को उसके लोकेशन को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई और इन केस ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं राइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एयरप्लेन की सर्विसेज ली तो उस केस में वेयर द पैसेंजर बार्ग ऑन द जर्नी जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की जहां से हमने एयरप्लेन को बोर्ड किया वो प्लेस बन जाएगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई और राइट आइए देखते हैं नाइन्थ क्लास सेक्शन ट्वेल्व का एंड दिस इज अबाउट सप्लाई सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेन्स अगर हमने कोई कन्वेन्स बोर्ड कर लिया है जैसे कि रेलवे की बात करते हैं हम इमेजिन कीजिए कि आपके बाल बड़े हुए हैं और राइट और आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और एक्सीडेंटली यू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द बारबर इन द ट्रेन आपको एक बार बार मिल जाता है ट्रेन में और वो कहता है कि मैं आपको अपनी सर्विसेज दे दूँगा मैं आपके बाल कटिंग कर, कर दूँगा तो उस केस में क्या होता है वो भारबर जो होता है वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होता है तो उस, उसने तो अपना टैक्स पे करना है वो आपसे टैक्स चार्ज करेगा जीएसटी चार्ज करेगा और वो फर्दर पे करेगा बट पे करने के लिए हमें नेचर पता होनी चाहिए कि वो इंटरा स्टेट है या फिर इंटरस्टेट है राइट तो उसी अकॉर्डिंग वो आपसे आई या फिर एस और सी चार्ज करेगा ना तो उस उसके लिए हम क्या करेंगे आपने उससे सर्विसेज ली तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि जहाँ से आपने आपका फर्स्ट स्कड्यूल्ड पॉइंट होगा जहाँ से आपने वो कन्वेन्स को बोर्ड किया है ना वो प्लेस आपकी हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई समझ आई बात में, समझ आई बात जहाँ से हमने वो कन्वेंस को बोर्ड किया होगा वो हमारी प्लेस जो होगी वो बन जाएगी हमारी प्लेस ऑफ़ सप्लाई ऑल राइट तो आइए देखते हैं अगला केस टेंथ केस एंड इट्स अबाउट बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग अगर हम कोई भी बैंकिंग सर्विस लेते हैं उस केस में क्या होता है कौन सी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी लोकेशन ऑफ़ द रेसपी ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर जिसने भी सप्लाई की उसके रिकॉर्ड में जो भी रेसिपी की रेसिपी uh, की लोकेशन होगी उस प्लेस को हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई बट अगर रेसिप एंट की uh, हमारे पास रेसिप का एड्रेस रेसिप की लोकेशन नहीं पता है तो उस केस में हम लोकेशन ऑफ़ सप्लायर ऑफ सर्विस को मान लेंगे और राइट right? जब अगर तो हमें रेसिपिएंट की लोकेशन पता है तो वो बन जाएगी प्लेस ऑफ़ सप्लाई इन केस हमें रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं पता है तो वो उस केस में हमारी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई और राइट नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट अगर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी हैं गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को दी हैं और right? उस केस में क्या होता है ईच ऑफ स्टेट यूनियन टेरीटरी वे आर एडवर्टिजमेंट्स आर ब्रॉडकास्टेड हर वो स्टेट जहाँ पर वो एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट हुई प्रपोर्शन वैल्यू में हम हर स्टेट को वो इंक्लूड कर लेंगे और उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे आगे है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट थोड़ा लेंथी भी है ये देखने इसमें क्या है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में बहुत सारे किस होते हैं पोस्ट पेड सर्विसेज भी होती हैं प्री पेड सर्विसेज भी होती हैं फिक्सड लाइन सर्विसेज भी होती हैं तो बहुत केसेस होते हैं उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ सप्लाईज़ होते हैं आइए देखते हैं जैसे फर्स्ट है सर्विसेज इन्वॉल्विंग फिक्स्ड लाइन लीज एंड इंटरनेट बेस्ड सर्किट्स डिश एक्सेट्रा अगर तो फिक्स्ड लाइन है हमारी है ना फिक्स फिक्सड हमने कनेक्शन लिया हुआ है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट जहाँ पे वो फिक्स्ड इक्विपमेंट लगा होगा ना वो हमारी बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई राइट आगे है पोस्ट पेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज पोस्ट पेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज हमने लिए हैं जिसका हमने बिल फ्यूचर डेट पे पे करना है उस केस में लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपियन जो रेसिपियन का जिसने सर्विसेज ली उसका बिलिंग एड्रेस जो रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होगा वो बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई आगे देखते हैं प्रीपेड मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रीपेड अगर हमने पहले ही सर्विसेज ली हैं प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज हैं उस केस में लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ़ रेसिपियन एंड इफ़ बिलिंग एड्रेस नहीं अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर गेटिंग मी सपोज़ आपने आइडिया का प्रीपेड कनेक्शन लिया हुआ है ठीक है तो उस केस में अगर तो आपका बिलिंग एड्रेस सप्लायर को पता है सपोज आप दिल्ली में रहते हैं आपने आइडिया का कनेक्शन लिया हुआ है अगर तो आइडिया कंपनी को आपका बिलिंग एड्रेस पता है कि आप दिल्ली में रहते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी दिल्ली बट अगर नहीं पता है आइडिया को आपका बिलिंग एड्रेस तो जहाँ पे भी आइडिया का क्वार्टर होगा और जहाँ से भी वो जीएसटी पे कर रहा होगा वो बन जाएगा पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑल राइट नेक्स्ट है प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच टी प्रोवाइडेड थ्रू एजेंट अगर प्रीपेड सर्विसेज थ्रू एजेंट प्रोवाइड हो रही हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आइए देखते हैं क्या होगा उस केस में एड्रेस ऑफ एजेंट प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ और सेल ऑफ वाउचर कूपन एक्सेट्रा या तो एजेंट का एड्रेस हो जाएगा या फिर जहाँ जिस प्लेस पर पेमेंट की जा रही है उन सर्विसेज ले उन सर्विसेज़ की वो प्लेस बन जाएगी प्लेस ऑफ़ सप्लाई और बाकी सभी केसेस में इन ऑल अदर केसेस एड्रेस ऑफ रेसिपियंट एज पर रिकॉर्ड्स अगर तो हमें हमें रेसिपियंट यानी कि सर्विसेज लेने वाले का अगर एड्रेस पता होगा तो वो बन जाएगी प्लेस ऑफ़ सप्लाई बट अगर एड्रेस हमें नहीं पता होगा तो उस केस में प्लेस ऑफ़ सप्लायर बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई और राइट तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इस, इस ये थे हमारे ट्वेल्व पॉइंट्स अंडर सेक्शन ट्वेल्व यानी कि सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विसेस प्लेस ऑफ़ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बहुत रेसिपियंट एंड सप्लायर इन इंडिया जहाँ पर दोनों रेसिपियंट और सप्लायर इंडिया में होते हैं इसके अंदर हमने ट्वेल्व पॉइंट्स ये किए हैं तो आइए देखते हैं हमने बात की थी एक डिफॉल्ट प्रोविजन की आइए देखते हैं उस डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न में क्या लिखा है अगर तो आपकी सर्विसेज ऊपर वाली बारह सर्विसेज में नहीं कवर हो रही तो गवर्नमेंट ने एक डिफॉल्ट प्रोविज़न प्रोवाइड की है आइए देखते हैं उसमें क्या है उसमें लिखा है कि अगर तो बी टू बी सर्विसेज जा रही हैं तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन अगर तो बिजनेस टू बिज़नेस आपने सर्विसेज दी हैं तो जिस बिज़नेस आप से आपसे सर्विसेज ली हैं वो बिज़नेस का लोकेशन बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ़ सप्लाई बट अगर हमने वो सर्विसेज बिज़नेस टू कंज्यूमर दी हैं यानी कि एक बिज़नेस से एक कंज्यूमर को दी गई हैं वो सर्विसेज तो अगर तो एड्रेस ऑफ़ द कंज्यूमर रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है तो वो कंज्यूमर या फिर रेसिपिएंट का एड्रेस हो जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बट अगर हम हमें उस रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं पता उसकी लोकेशन नहीं पता तो उस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ द सप्लायर जिसने सर्विस सप्लाई की होगी उसकी स उसकी लोकेशन बन जाएगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई नाउ लेट्स डिस्कस आर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन थर्टीन और सेक्शन थर्टीन में है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर वन ऑफ़ द पार्टीज़ आउटसाइड इंडिया इस केस में क्या है कि एक या एक से ज़्यादा पार्टीज आउटसाइड इंडिया हो अगर तो उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटर्मिन करेंगे सेक्शन थर्टीन इज ऑल अबाउट दैट आइए देखते हैं आगे इसमें क्या कवर्ड है फर्स्ट केस है इसमें कि सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिज़िकली अवेलेबल अब हमने सर्विसेज ली हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स गुड्स के गुड्स को ठीक करवाने के लिए हमने सर्विसेज ली हैं जिनका फिजिकली होना बहुत ज़रूरी है सपोज़ आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है आप किसी रिपेयर्स पर्सन के पास जाते हो तो उसे रिपेयर करने के लिए आपका लैपटॉप होना ज़रूरी है ना तो इस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड जहाँ पे जिस शॉप में वो लैपटॉप एक्चुअल में ठीक हुआ वो प्लेस हमारी मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट है सर्विसेज विच डू नॉट रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस जिस केस में फिजिकल प्रेजेंस गुड्स की होना नहीं ज़रूरी है ना उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी जहाँ वो गुड्स एक्चुअली सिचुएटेड हैं सपोज आप कि आपके लैपटॉप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है ऐसा फॉल्ट आया है कि जो बाहर से कोई पर्सन ठीक कर सकता है आपका लैपटॉप आपके घर पे ही है बट वो ठीक हो सकता है किसी पर्सन के द्वारा जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो उस केस में जहाँ गुड्स एक्चुअली सिचुएटेड होंगी ना वो हो जाएगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपका आपका लैपटॉप तो आपके घर पे ही है और आपका घर इंडिया में है बट आपका लैपटॉप कैसे ठीक हो गया वो सर्विसेज दी किसी ने बाहर से आउटसाइड इंडिया से बट उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी जहाँ पे वो आपका लैपटॉप एक्चुअल में सिचुएटेड है यानी कि इंडिया में नेक्स्ट केस है सर्विसेज विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपेंट और द पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ विद सप्लायर ऑफ सर्विस जहाँ पे रेसिपेंट और सप्लायर दोनों की जरूरत होती है दोनों की फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी होता है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा जहाँ पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही हैं लाइक इन केस ऑफ हम अगर टीचिंग सर्विसेज ले रहे हैं या फिर ब्यूटिशन की सर्विसेज ले रहे हैं उन उस केसेस में रेसिपिएंट एंड सप्लायर दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है तो जहाँ पे वो सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म हो रही हैं वो प्लेस हो जाएगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट केस है सर्विसज सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू एंड इन प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एकोमोडेशन इन होटल बोट और बेसल ये सेम केस uh, अब हम जो केसेज आगे करेंगे वो सेम होंगे जो हमने सेक्शन ट्वेल्व में किए तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे आइए देखते हैं कि इस इन केस हमने सर्विसेज ली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड यानी कि होटल वोट और वेस्टल इनमें से कोई भी तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी जहाँ पे वो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में सिचुएटेड है वो प्लेस हमारी हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट केस है एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट अगर हमने Uh, या तो किसी इवेंट में पार्ट लिया है या फिर हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया है तो उस केस में प्लेस जहाँ पे वो इवेंट एक्चुअल में हेल्ड हुआ है वो प्लेस बन जाएगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट केस सर्विसेज सप्लाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एन बी एफ सी टू अकाउंट होल्डर किसी कंज्यूमर को बैंकिंग बैंक bank ने बैंकिंग सर्विसेज दी तो उस केस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ़ सर्विसेज जो वो सप्लायर की लोकेशन होगी वो हमारी बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई Uh, इसमें इंटरमीडियरी सर्विसेज जैसे कि सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीज़ ऑफ़ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच बट एक्सक्लूडिंग क्राफ्ट वेसल्स अप टू पीरियड ऑफ वन मंथ अगर हमने इंटरमीडियरी सर्विसेज दी uh, जैसे कि हमने कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किराए पे लेना है हायर करना है तो उस केस में जो भी इंटरमीडियरी होगा बीच में जिसके uh, जिसके थ्रू हम वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हायर कर पा रहे हैं तो उसकी सर्विसेज भी इस, इस पॉइंट के अंदर कवर होती हैं इसमें भी यही कहते हैं कि जो वो सप्लायर ऑफ सर्विस होगा उसकी लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे नेक्स्ट के इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कॉरियर हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया बट मेल और कॉरियर के थ्रू नहीं किया तो उस केस में प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स जहाँ पे वो गुड्स एक्चुअल में डिलीवर की गई वो प्लेस हमारी हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सपोज आप बाहर से इंडिया में लैंड हुए आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में लैंड हुए तो तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी जहाँ से पैसेंजर ने अपनी जर्नी एक्चुअली एम्बाक की एम्बाक का मतलब होता है स्टार्ट की जहाँ से पैसेंजर ने अपनी जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट की वो प्लेस बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई और इस केस में ऑस्ट्रेलिया क्या बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस वही जो हमने पिछले सेक्शन uh, ट्वेल्व में डिस्कस किया था कि आपके बाल बड़े हैं और आपने सर्विसेज ली जब आप ट्रेन में जा रहे थे आपने सर्विसेज़ ली एक बार बर, बार 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 से और उसने आपसे जीएसटी चार्ज किया बट प्लेस ऑफ़ सप्लाई क्या माना जाएगा उस केस में प्लेस ऑफ़ सप्लाई फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट जहाँ से आपने वो जहाँ से आपने फर्स्ट पॉइंट वो पॉइंट जहाँ से आपने ट्रेन को बोर्ड किया उस पॉइंट को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई और लास्ट पॉइंट है इज़ अबाउट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा बेस असेस और रिट्रील सर्विसेस अगर हमने या तो इंफॉर्मेशन सप्लाई की बाहर या फिर बाहर से कोई इंफॉर्मेशन ली और वो उसके लिए हमसे चार्ज किया गया या हमने चार्ज किया तो उस केस में दोनों ही केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस बन जाएगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि जिसको हमने सर्विसेज दी या जिसने सर्विसेज एक्चुअल में ली उसकी प्लेस बन जाएगी प्लेस ऑफ़ सप्लाई तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू